बताना चाहता हूं। जेजेएम के अंतर्गत जो परियोजनाएं बनती हैं, सबसे पहले उनकी डीपीआर बनती है और वो डीपीआर बनाती है नैपकॉन और वेबकॉस ये कंसल्टेंट कंपनियां हैं और ये कंसल्टेंट कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनके उपक्रम है। इस डीपीआर को जो कंसल्टेंट कंपनियां बनाती हैं उनको एसएलएसएससी में स्वीकृति हेतु हम जल शक्ति मंत्रालय को भेजते हैं केंद्र सरकार। वो पहले इसका परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद इसको एसएलएसएससी में भेजते हैं। एसएलएसएससी में केंद्र सरकार के भी कई प्रतिनिधि होते हैं, हालांकि एसएलएसएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो संबंधित जो प्रदेश है उसके एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं, लेकिन कोई भी काम एसएलएसएससी में बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं होता। यहां तक कि एसएलएसएससी की जो डेट्स तय होती हैं वो भी केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय की अनुमति से ही तय होती है। मौन के प्रतिनिधि भी होते हैं जो किसी काम की जब तक अनुमति नहीं देते एसएलएसएससी उसको मंजूर नहीं कर सकती। राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने जरूरत के हिसाब से कि भाई राज्य को इसकी जरूरत है अपनी वहां पर राज्य का पक्ष रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को संतुष्ट करना जरूरी है। उसके बाद एसएलएसएससी इसकी अनुमति देती है और एसएलएसएससी की मीटिंग जारी होने में 20 से 25 30 दिन का समय लगता है। इनके मिनट्स जारी होने के बाद में प्रदेश में एक पीपीसी बनी होती है, उसका चेयरमैन मंत्री होता है, उसमें उस योजना का अनुमोदन होता है। उस अनुमोदन के पश्चात ये राज्य सरकार को के वित्त विभाग को भेजी जाती है, क्योंकि इसमें राज्यांश भी होता है केंद्रांश भी होता है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी एसएलएसएससी में, वहां से परीक्षण हो गया योजना का। एसएलएसएससी की मंजूरी के बाद में मेरे अनुमोदन के बाद में इसको हम वित्त विभाग को भेजते हैं कि राज्य सरकार इस परियोजना में अपने हिस्से की राशि लगाने को तैयार है। इस बात की हमको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। फिर इसके बाद में ये वित्त विभाग इसको एक हमारे एफसी बनी होती है, एफसी का चेयरमैन हमारे एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं। एसएलएसएससी में इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो किसी भी परियोजना, जब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इसकी जारी हो जाती है उसके पश्चात इसको टेक्निकल कमेटी को भेजा जाता है। टेक्निकल कमेटी को में इसमें पूरे विचार विमर्श होते हैं, इसमें हमारे टेक्निकल कमेटी में चीफ इंजीनियर्स होते हैं और एक एफए हमारे इसके अंदर मेंबर होते हैं। जब इसकी टीसी हो जाती है टेक्निकल टीएस हो जाती है टेक्निकल सेंक्शन जब इसकी हो जाती है तो उसके बाद इसकी हम निविदाएं जारी करते हैं। निविदाएं की जारी करने के लिए हमने ई प्रॉक एक होता है EPROC ये पोर्टल है और SPPP ये राज्य सरकार के दो ऑनलाइन पोर्टल हैं, इन पे ये निविदाएं जारी की जाती हैं। सारा काम निविदाओं को ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया ऐसी होती है किसी भी डिपार्टमेंट की हो ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से गोपनीय होती है। इसमें कोई ये पता नहीं कर सकता है कि भाई किस फर्म ने टेंडर डाला है किसने डाला है, कि ये भी नहीं पता लगता है कि कितने फर्म ने टेंडर डाला, उसको छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। इसमें तो किसी भी बात की जानकारी जब डेट होती है कि भाई हम टेंडर खुलेगा तो टेंडर खुलने के बाद ही पता लगता है कि जित और उसमें प्रोसीजर होता है ये टेंडर खुला है कितने लोगों ने डाला है, फिर उसके बाद इसकी टेक्निकल बिड होती है, उसके बाद इसकी फाइनेंशियल बिड होती है। पता नहीं कर सकते आप इसका, टेंडर खुलने पर इसकी जानकारी होती है। उसके बाद में
निविदाएं प्राप्त होने के बाद, मतलब जो डेट होती है लास्ट डेट, उसके हम ये मानते हैं कि निविदाएं प्राप्त होकर उसको खोल दें। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच होती है, किस किसने टेंडर डाला है, पहले उसके दस्तावेजों की जांच होगी, और जांच करने के लिए आरटीपीपी नियमों के अनुसार एक बोली मूल्यांकन समिति होती है, बिड एवल्यूशन कमेटी, वो गठित होती है, वो सारे उसके दस्तावेजों की जांच करती है। यह समिति अवगुण अवगुण के आधार पर मूल्यांकन कर तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की घोषणा करती है कि ये टेक्निकली और अप्रूव हुए हैं, इसके इनके दस्तावेजों की जांच कर ली गई है, और फिर इसकी तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की प्राइस बिट जो है वो सबसे अंत में खोली जाती है। प्राइस बिट ऑनलाइन पोर्टल पर खोली जाती है, जिसमें इसकी दरें, जिसमें जिसकी दर न्यूनतम होती है उस बोलीदाता को एल्बम घोषित किया जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एल्बम कौन है, वो जो निविदा खोलेगी उसमें जो दरें हैं उसी के हिसाब से एल्बम घोषित होगा। तत्पश्चात न्यूनतम बोलीदाताओं की दरों को विभाग के जस्टिफाइड दरों से तुलना कर वित्तीय समिति एफसी में स्वीकृति भी भेजा जाता है। एक हमारी रेट और होती है, क्या होता है कभी कभी हमारी रेट जो तय होती है बीएसआर के अनुसार होती है, कि बीएसआर से ज्यादा है कि बीएसआर से कम, लेकिन कभी ऐसा होता है बीएसआर, क्योंकि साल में एक ही बार तय होती है, कभी ऐसा होता है बीएसआर जब तय होती है उसके बाद कीमतें बढ़ जाती है सामान की, कभी घट भी जाती है, तो उसको जो एक जस्टिफाइड रेट का सिस्टम और होता है, जस्टिफाइड रेट तय की जाती है। अगर किसी बोलीदाता की बोली जस्टिफाइड रेट से ऊपर है तो उसको जस्टिफाइड रेट के पास लाने की कोशिश की जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यूनतम भी है, कभी कभी कई टेंडर ऐसे निकले हैं जिसके अंदर बहुत भारी गैप में बहुत कम रेट भरती, तो फिर जो जस्टिफाइड रेट का, और 15% तक तो नहीं लेते, लेकिन 15% से ज्यादा अगर किसी ने नीचे के रेट डाली है तो हम उससे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेते हैं। तो एक सिस्टम है जस्टिफाइड रेट का, जस्टिफाइड रेट के अनुसार उस पर आगे कार्रवाई होती है। जब ये जस्टिफाइड रेट से तुलना हो जाती है उसके बाद इसको फाइनेंस कमेटी को भेजा जाता है, फाइनेंस कमेटी इसको जो बोलीदाताओं के दरों में टेंडर भेजा जाता है, न्यूनतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरें विभाग की से जस्टिफाइड रेट से ज्यादा है तो उसको कम भी कर सकती है, और इसका फाइनल अप्रूवल एफसी देती है, एफसी के चेयरमैन एसीएस या जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो। उसके बाद में स्वीकृत न्यूनतम बोलीदाताओं का दरों में टेंडर पीएम, अगर टेंडर पीएम आया है जो हमारे जस्टिफाइड रेट हैं या बीएसआर उससे ऊपर का आया है तो उसके हिसाब से हमको उसको वित्त विभाग की परमिशन भी लेनी पड़ती है। पहले ऐसा होता था कि इसको टेंडर प्रीमियम कहते हैं जो ज्यादा आता है, इस टेंडर प्रीमियम की फाइलें सीधे ही वित्त विभाग को भेज दी जाती थी, लेकिन शायद नवंबर 2022 में एक सर्कुलर जारी हुआ गवर्नमेंट का, ये जो टेंडर प्रीमियम की फाइलें हैं इसको भी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात ही भेजा जाए, मतलब हमारे पास आते हैं, प्रोसीजर है, हम उसको भेजते हैं, और फिर वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात उसको वर्क ऑर्डर जारी। ये हमारी टोटल प्रक्रिया है। अब ये समझ से बाहर है, फिर किरोड़ी जी ने आरोप लगाए, किरोड़ी जी कैसे राजनीति करते हैं आपको सबको पता है, क्या उनकी फितरत है, किस तरीके से आरोप लगाते हैं। मैं सीधा सा ये कहना चाहता हूं कि वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसको ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में माना जाता है। आप बताइए, हमने जिस 20,000 करोड़ की किरोड़ी जी बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का काम हमने नहीं किया, हमने अब तक विभाग से कुल 16,000 करोड़ 16,500 करोड़ के काम करवाए हैं, और उससे 31 लाख हमने कनेक्शन दिए। जेजेएम जो कुछ काम करता है, जेजेएम के तहत जितने भी काम होते हैं, एनजेजेएम उनकी मॉनिटरिंग करता है, मतलब एनजेजेएम नेशनल जल जीवन मिशन,
वो गुणवत्ता की जांच भी करता है, कामों की कोई अनियमितता उसकी भी जांच करता है। आज तक हमको हमारे इन जो 31 लाख हमने एफएचटी से दिए हैं इनके बारे में एनजेजेएम ने कोई आपत्ति हमको नहीं दी। तो 16,500 करोड़ रुपए के हमने काम कराए अब तक, उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए के कामों की हमने निविदाएं निरस्त कर दी। मुझे लगता है कि किरोड़ी जी को इस बात की परेशानी है कि वो निविदाएं निरस्त होंगे। लगता है किरोड़ी जी उन फर्मों को काम दिलाना चाहते थे जिन फर्मों को हमने निरस्त किया। आप बताइए बिना काम दिए बिना पैसा खर्च किए कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे गड़बड़ी होती है, ये किरोड़ी जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाना, इस तरीके से अनर्गल बातें करना उनकी फितरत हो गई है। हमारे प्रदेश स्तर पे जेजेएम के किसी काम में किसी तरह की कोई पारदर्शिता में कमी नहीं है। हमने पूरी तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से जो केंद्र सरकार गाइडलाइंस है जेजेएम को लेकर उनके उनको मानते हुए उनकी पालना करते हुए सारे काम किए हैं। अब किरोड़ी जी अगर आने वाले जो हम टेंडर प्रक्रिया जो हमने निरस्त किए 20,000 करोड़ के, उन निरस्त करे हुए टेंडरों में दबाव बना के जिससे वो काम दिलाना चाहते हैं तो वो जाने,